हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर क्रिकेट चैनल क्रिकनेस्ट। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे द एशिया कप 2022 के बारे में और ये मैच होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना, काफ़ी धमाकेदार वीडियो होने वाला है। और ये मैच होने वाला है एशिया कप का दूसरा मुकाबला जो कि खेला जाएगा 28 अगस्त संडे 7:30 बजे से। आप सभी जानते ही होंगे इंडिया पाकिस्तान का मैच, और सभी ना जाने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ये मैच होने वाला है दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। और दोस्तों आज हम कवर करेंगे इस मैच का फुल प्रूफ एनालिसिस जो कि है प्री मैच एनालिसिस, और साथ ही साथ नज़र डालेंगे कि आखिर कौन सी टीम मुकाबला जीत सकती है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपडेटेड रहे सारे इन्फॉर्मेशन के साथ और क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स पाते रहें। तो भाई शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। तो इसी स्टेडियम पर पहले बैटिंग करने वाली टीम को डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा फायदा मिलेगा। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करना इस पिच पर बेहतर होगा। दोनों ही टीमों से हाई स्कोर की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम इस पिच पर। तो 180 के ऊपर तक का हम स्कोर, एवरेज स्कोर यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पिच पर। अगर हम बात करें इंडिया की, तो रोहित शर्मा है टॉप रन स्कोरर, वहीं भुवनेश्वर कुमार है टॉप विकेट टेकर। दोनों के दोनों काफ़ी लाजवाब फॉर्म में चल रहे हैं, चाहे वो रोहित शर्मा बैट्समैन हो या फिर भुवनेश्वर कुमार अपनी स्विंग को प्राप्त कर चुके हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो बराबर के टक्कर दे रहे पाकिस्तान के प्लेयर्स भी। एंड अगर बात करें उनके तरफ से टॉप रन स्कोर की, तो वो खुद हैं कैप्टन बाबर आजम और टॉप विकेट टेकर है हारिस रॉफ। तो पिछले 5 मैचेस की बात करें तो इंडिया ने अपने पिछले 5 T20 में से 4 T20I में जीत का सामना किया है। देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया दोस्तों। वहीं पाकिस्तान ने भी 5 में से 4 में जीत पुक्ति करी है। तो दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छी कंपटीशन दे रही है एंड पाकिस्तान फुल टू फुल कंपटीशन देगी इस बार भी इंडिया को। वहीं अगर की प्लेयर्स की बात करें तो इंडिया की तरफ से की प्लेयर्स रहने वाले हैं रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और भुवनेश्वर कुमार। वहीं पाकिस्तान के की प्लेयर्स रहने वाले हैं मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और हारिस रॉफ। दोनों ही टीमें का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, पर अगर हम बात करें स्टैटिक्स को मद्देनज़र रखते हुए तो टीम इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टोटल है और हमारी फर्स्ट चॉइस है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी, अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। और आखिर में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहना हमारे, और अपडेट्स आप ढेर सारे पाते रहो। तो चलो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।